हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, घर पे हैं और स्टडी भी आप लोग कर रहे हो। तो स्टडी करनी अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपको पता है स्कूल ओपन नहीं हो रहे और एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेशन टाइम पे ही होंगे जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। जैसे कि डोटासरा जी ने बोला है कि सिलेबस में जो कटौती है वो कुछ कर दी जाएगी, तो अभी वो भी कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर सिलेबस में कटौती होती है देन मैं आपको वो ही चैप्टर करवा रही हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं से भी इसको कम नहीं किया जाएगा, ये चैप्टर्स है वो कम नहीं होंगे। तो अपने को तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है, एकदम मन लगा करके तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। अपने दो पार्ट है वो इस चैप्टर के कम्प्लीट अभी हो गए। द टाइगर किंग हम पढ़ रहे थे, इसमें से पांच पोर्शन इस चैप्टर में है, उसमें से तीन हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ अपना जो इसमें पोर्शन दिया हुआ है इस चैप्टर का, वो हम करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि महाराजा को जो एस्ट्रोलॉजर है उसने बोला था कि आपको सोवा जो टाइगर है उससे आपको खतरा है, उससे आपको अपना ध्यान रखना है, बचाव करना है। तो राजा ने बोला कि मैं टाइगर्स की जो हंटिंग है, टाइगर हंट जो है वो मैं करूंगा, टाइगर्स को मैं मारूंगा, 100 टाइगर को मैं मारूंगा, ऐसा राजा ने बोला था। तो उसके आगे क्या होता है वो अपने को पढ़ना है। जैसे वो हंटिंग कर रहा था, उसने जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जो दुराई थे, उनको भी उन्होंने मना कर दिया था टाइगर किंग ने। तो उसको जो दुराईसानी है उसको उन्होंने 50 रिंग्स भेजी थी, 3 लाख रुपए का उनका पेमेंट जो बिल है वो आया था। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है चैप्टर में। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखो, द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। फिर क्या हुआ था, द महाराजा टाइगर हंट की, महाराजा का जो टाइगर हंट था, जो टाइगर का जो वो शिकार कर रहे थे, वो कंटिन्यू लगातार कैसे रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, वो कंटिन्यू एकदम से सक्सेसफुल रहा, पूर्ण रूप से वो सफल रहा, वो अपने कार्य में कंटिन्यू लगे रहे, शिकार करने का जो काम था वो उसमें कंटिन्यू लगे रहे। उसके बाद में क्या, विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। विद इन 10 ईयर्स की 10 साल के अंदर ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स। वो 70 जो टाइगर है उनको किल करने में, मतलब 70 जो टाइगर है उनको मारने में वो सक्सेसफुल हो गए थे, उसमें वो समर्थ हो गए थे। उन्होंने 70 टाइगर्स की जो हंटिंग है वो उन्होंने कर ली थी, सक्सेसफुली कर ली थी। एंड देन और फिर क्या हुआ, एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंडस्टिल। एंड देन और फिर एन अनफोर्सिन हर्डल की, एक अनफोर्सिन मतलब जो एक अप्रत्याशित रूप से जो चीज घटित होती है, जो पहले कभी नहीं देखी गई, तो एक जो अप्रत्याशित जो हर्डल थी, बाधा थी, वो ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंडस्टिल कि उसके सामने एक अप्रत्याशित जो बाधा थी, हर्डल थी, वो उसके मिशन के बीच में आ गई। और वो बाधा क्या थी, द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी, टाइगर की जो जनसंख्या थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गई थी। किसकी जो संख्या वो विलुप्त हो गई, टाइगर की जो जनसंख्या थी वो विलुप्त हो गई प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकरी, कि हु नोज, कौन जानता था वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि टाइगर ने, क्या पता टाइगर ने बर्थ कंट्रोल का जो प्रैक्टिस मतलब उसका अभ्यास कर लिया था, उन्होंने बर्थ कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, मतलब कि उन्होंने जो परिवार नियोजन जो होता है उसको उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, ऐसा कौन जानता है। या फिर कमिटेड हराकरी होता है सुसाइड, या फिर उन्होंने सुसाइड कमिट करना शुरू कर लिया था, ऐसा कौन जानता था, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में टाइगर पॉपुलेशन है वो कम हो गई थी। तब बोलते हैं, राइटर ने बोला है कि कौन जानता था कि उन टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल को शुरू कर दिया था या फिर सुसाइड करना शुरू कर दिया था, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, और सिंपली और साधारण रूप से, या फिर एक साधारण तरीके से रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, वो स्टेट से भाग गए, उस प्रतिबंधपुरम से भाग गई, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर टू बी शॉट, कि वो शॉट यानी मरना पसंद, डिजायर मतलब पसंद करना या इच्छा करना,
कि वो इच्छा रखते थे शॉट शॉट यानी मरने की, जो गोली से जो मारी जाती है, जो शूटिंग जो करी जाती है, निशाना साधा जाता है, उसको बोलते हैं शूट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म शॉट होती है बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। कि वो साधारण रूप से राज्य से भाग गए थे क्योंकि वे केवल ब्रिटिश लोगों के हाथों से ही मरना है वो पसंद करते थे, मरने की इच्छा है वो रखते थे। किसके हाथों? ब्रिटिश के हाथों, अंग्रेजों के हाथों। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो सेंट फॉर मतलब बुलाना। एक दिन क्या हुआ, महाराजा ने दीवान को बुलाया और उन्होंने बोला, दीवान साहब aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। उन्होंने बोला aren't you aware कि क्या आप नहीं जानते हो द फैक्ट, कि क्या आप उस तथ्य को नहीं जानते हो, उस तथ्य से आप अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो, दैट कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, की मेरी बंदूक से मारे जाने में अभी 30 जो टाइगर है वो बाकी बच गए हैं। तो बोल रहे हैं कि दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है कि मेरी बंदूक से अभी 30 टाइगर और मारे जाने हैं, वो बाकी बच गए हैं, अभी मारे जाने शेष हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, कि ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ब्रांडिशिंग मतलब हवा में अपनी बंदूक को घुमाना। तो बोल रहे हैं कि अपनी बंदूक को ब्रांडिशिंग करते हुए हवा में घुमाते हुए ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, दीवान साहब से पूछा, गुस्से में आकर पूछा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट योर मेजेस्टी, कि शडरिंग यानी कांपते हुए, कंपाते हुए एट द साइट ऑफ द गन, कि उस गन के उस साइड से, उस दृश्य से वो कंपाते हुए दीवान साहब है वो चिल्लाया, बोला कि योर मेजेस्टी महाराज आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। महाराज बोलते हैं विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कि विच इडियट, कौन मूर्ख है वो वुड कॉल यू ए टाइगर, कि तुम्हें टाइगर कहेगा, ऐसा कौन मूर्ख है। नो नहीं, एंड ओ आई एम नॉट ए गन, मैं गन भी नहीं हूँ, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। वो बोल रहा है दीवान साहब कि मैं न तो टाइगर हूँ न मैं बंदूक हूँ। तो अब महाराजा बोल रहे हैं कि यू आर नाइदर टाइगर नो गन, कि न तो तुम टाइगर हो न ही तुम गन हो। दीवान साहब आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, क्या ये समन यानी मैंने बुलाया है यू तुम्हें हेयर यहाँ पे फॉर ए डिफरेंट पर्पज, के एक डिफरेंट पर्पज के साथ में एक विभिन्न उद्देश्य, एक उद्देश्य है, डिफरेंट उद्देश्य है, उसके साथ मैंने तुम्हें बुलाया है, एक उद्देश्य के लिए तुम्हें मैंने बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, अब वो बोलते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने शादी करने का निश्चय है वो किया है, शादी करने का डिसाइड किया है। अब दीवान साहब बोलते हैं द दीवान बिगन टू बबल इवन मोर, दीवान है उन्होंने इवन मोर मतलब और अधिक उन्होंने बबल यानी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। योर मेजेस्टी की महाराज आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, कि आई हैव टू वाइफ्स मेरी दो पत्नियां हैं ऑलरेडी पहले से, कि महाराज मेरी दो पहले से दो पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूं, इतना सा वो बोला जो दीवान साहब ने सोचा कि मेरे साथ महाराज है वो शादी करेंगे, तो वो बोला कि मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ, दो मेरी वाइफ है, यदि मैं आपसे शादी करूं, इतना ही उसने बोला था। इतने में क्या बोला महाराज ने, डोंट टॉक नॉनसेंस, की नॉनसेंस मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो, बकवास मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, अब वो बोल रहा है कि व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो क्या है, टाइगर है, मुझे टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी महाराज, दीवान साहब बोलते हैं महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, कि आप इसके ऊपर सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि योर एंसेस्टर आपके जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे वो मैरिड, उन्होंने शादी करी थी किससे, टू द स्वॉर्ड, किस स्वॉर्ड के साथ में यानी तलवार के साथ में आपके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने शादी करी थी। इफ यू लाइक, यदि आप चाहते हो मेरी द गन, गन के साथ आप शादी कीजिए, बंदूक के साथ कीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि एक टाइगर किंग है वो इस स्टेट के लिए, इस राज्य के लिए पर्याप्त है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, कि इसे एक टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है, एक इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग है वो काफी है। तो वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जो महाराज है वो टाइगर से शादी करना चाहता है, उसको एक टाइगर से शादी करनी है। तो वो बोलता है कि आप बंदूक से कर लीजिए, टाइगर किंग बहुत है, यहाँ पे टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या हुआ था, महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, तो महाराजा है वो क्या, लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर मतलब बहुत जोर से हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स,
कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग, कि मैं नहीं सोच रहा हूँ मैरिंग, शादी करने की, आइदर ए टाइगर और ए गन, कि मैं किसी टाइगर या किसी गन से शादी करने की नहीं सोच रहा, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग की यानी मनुष्य की ही एक जो रैंक वाली यानी एक मनुष्य प्रजाति की लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ, मतलब कि एक लड़की से ही शादी करने की मैं सोच रहा हूँ जो मानवों की श्रेणी में आती है, ह्यूमन बीइंग्स जो होती है। फर्स्ट यू मे ड्रा स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। अब वो राजा क्या बोलता दीवान साहब को कि फर्स्ट सबसे पहले यू मे ड्रा कि तुम्हें इकट्ठे करने, ड्रा मतलब इकट्ठे करने हैं, एकत्रित करने हैं स्टेटिस्टिक्स यानी आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आंकड़े किसके और टाइगर पॉपुलेशंस के, टाइगर की पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं वो आपको एकत्रित करने हैं इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट कि जो विभिन्न जो नेटिव स्टेट्स हैं जो पड़ोसी जो राज्य हैं वहां से टाइगर की पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं वो तुम्हें इकट्ठा करने हैं। नेक्स्ट फिर यू में इन्वेस्टिगेट, फिर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, जांच पड़ताल करनी है इफ देयर इज ए गर्ल कि क्या वहां पे एक ऐसी लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन कि आई कैन मैरी मैं शादी कर सकूं इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट की एक स्टेट की जो रॉयल फैमिली है यानी कि जो शाही परिवार है विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन कि एक मतलब ऐसी जो लड़की, एक ऐसी लड़की कैसे राज परिवार से जहां पे टाइगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो, मतलब वो बोलता है कि इसके बाद में तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हें जांच पड़ताल करनी है, खोजनी है कि क्या किसी राज परिवार में, किसी रॉयल फैमिली के अंदर राज परिवार में जो है ना रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट यानी किसी राज परिवार की जो एक शाही परिवार होता है किसी राज्य का उसमें क्या एक ऐसी लड़की है जहां पे टाइगर पॉपुलेशन भी ज्यादा हो और मैं उससे शादी भी कर सकूं। कुल मिला के वो कहना चाहता है कि तुम्हें जांच पड़ताल करनी है कि किसी राज परिवार में शाही लड़की है ऐसी कि जिससे मैं शादी करूं और शादी करूं जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन भी हो, मतलब जिस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हो वहां पे एक ऐसी लड़की हो जिससे मैं शादी कर लूं। तो एक तो टाइगर पॉपुलेशन भी चाहिए, एक ऐसी लड़की भी चाहिए एक ऐसी रॉयल फैमिली से जो उसके रैंक के बराबर हो, मतलब जो एक शाही परिवार से हो, किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी न करनी पड़े। तो दोनों चीजों का ध्यान रखने के लिए वो दीवान साहब से बोल रहा है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि राजा ने दीवान को क्या ऑर्डर दिया था, क्या चीज उसको जांच पड़ताल करने के लिए दी थी, क्वेश्चन है वो ऐसा आ सकता है। फिर क्या हुआ, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। अब दीवान है उन्होंने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स कि ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट कि एक स्टेट से, एक राज्य से एक सही लड़की है वो उसको मिल गई। विच पजेस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स जहां पे लार्ज मतलब टाइगर्स की बड़ी संख्या थी, एक ऐसे स्टेट से एक अच्छी लड़की जो राइट गर्ल है वो उसको मिल गई। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स इस टाइम कि महाराजा जो जंग बहादुर है वो प्रत्येक बार 5 से 6 टाइगर को वो किल करते मारते। ही विजिटेड हिज फादर इन लो जब भी वो अपने फादर इन लो के यहाँ विजिट करते, भ्रमण करते तो वो 5 से 6 टाइगर को वहां पे मारते। इन दिस मैनर और इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस कि इन दिस मैनर और इस तरीके से 99 टाइगर की जो स्किन थी, 99 टाइगर की जो खाल थी उससे प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस यानी जो महल का जो रिसेप्शन हॉल था यानी स्वागत कक्ष जो था उसकी जो दीवारें थी वो अडोन, अडोन यानी सुसज्जित होना कि 99 टाइगर की खाल से प्रतिबंधपुरम के महल का जो रिसेप्शन हॉल है, स्वागत कक्ष है, उसकी दीवार सुसज्जित हो गई थी क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर्स का जो हंटिंग है वो उन्होंने कर ली थी। इसके बाद में हम करते हैं अपना जो फिफ्थ जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है अपना। इसके बाद देखो उन्होंने 99 टाइगर को मार लिया, अब एक टाइगर और है वहां पे बाकी बच गया। द महाराजा एंजाइटी रीच ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। फिर क्या हुआ, द महाराजा एंजाइटी की, महाराजा की जो एंजाइटी थी मींस महाराजा की जो चिंता थी वो रीच ए फीवर पिच, मतलब फीवर पिच होता है अपनी चरम सीमा पर, अपने अंतिम छोर पे कि महाराजा की चिंता है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। व्हेन जब दे रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100 कि उसके 100 की जो संख्या थी, आंकड़े थे उसमें
एक टाइगर है वो बाकी रह गया था, इस कारण से महाराजा की जो चिंता है वो अपने चरम पे है, वो पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि एक टाइगर है वो शेष रह गया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, ही हैड दिस वन थॉट, कि वो एक ही विचार रखता था ड्यूरिंग द डे, उस डे टाइम में वो एक ही विचार रखता था। एंड द सेम, और यही सेम है वो कब रखते थे, ड्रीम एट नाइट, रात्रि को स्वप्न के दौरान भी वो यही सोचते थे, मतलब दिन को रात को वो यही चीज है वो सोचते रहते थे कि एक टाइगर है वो अचीव करना बाकी रह गया। फिर क्या होता है, बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब क्या हुआ, बाय दिस टाइम, कि इस समय तक जो टाइगर फार्म था, जो टाइगर का जो फार्म यानी जो खेत या फिर जो जंगल था, उसके फादर इन लॉ के राज्य में भी जो टाइगर फार्म था वो एकदम ड्राई हो गया था, एकदम सूख गया था, वहां पे टाइगर नहीं बचे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कि कहीं पर भी, एनीवेयर यानी कहीं पर भी टाइगर्स को लोकेट करना है, टाइगर्स को पकड़ पाना है, वो इम्पॉसिबल हो गया था, असंभव हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, कि हालांकि एक ही टाइगर है उसकी आवश्यकता थी। इफ यदि ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि ही कुड किल, वो मार सकता जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, की केवल उस एक सिंगल जानवर को यदि वो मार सकता, यदि वो मार देता, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के लिए कोई भी फियर, कोई भी डर है वो नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टूगेदर, और इसके साथ ही वो क्या करते, टाइगर हंटिंग को गिव अप कर देते, छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उसको अत्यधिक रूप से केयरफुल रहना था, किसे, विद दैट लास्ट टाइगर, उस आखिरी टाइगर से उन्हें अत्यधिक केयरफुल रहना था। वाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि वाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि उस लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, मतलब उस दिवंगत, उस स्वर्गीय मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने क्या कहा था। अब वो याद कर रहा है कि उस प्रधान ज्योतिषी ने क्या कहा था, कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ द 100, कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, की यहाँ तक कि 99 टाइगर को मारने के बाद भी द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ द 100, कि महाराजा को उस 100 टाइगर से, उस 100 टाइगर से बीवेयर रहना चाहिए, उससे उनको सावधान रहना चाहिए, उससे सतर्क रहना चाहिए। ट्रू इनफ, और ये पर्याप्त रूप से सत्य है। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कि ये जो टाइगर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो जंगली जानवर होते हैं, आखिरकार जंगली जानवर होते हैं। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, कि किसी भी एक व्यक्ति को, मतलब हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, वेरी ऑफ इट, उससे वेरी रहना चाहिए, उससे सतर्क रहना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन उस 100 टाइगर को, उस 100वें टाइगर को वेयर वाज दैट टू बी फाउंड, कि उसको कहाँ पाया जाए, उसको कहाँ से प्राप्त किया जाए, वो कहाँ है। इट सीम्स इजियर टू फाइंड टाइगर्स मेल देन ए लाइव टाइगर, देखो कितनी बड़ी बात बोली है, कि इट सीम्स इजियर, कि ऐसा आसान प्रतीत होता था, टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, कि एक जिंदा टाइगर की बजाय, एक जीवित टाइगर की बजाय, टाइगर का जो मिल्क है उसको प्राप्त करना है, वो इजियर प्रतीत होता था, आसान प्रतीत होता था। दस इस प्रकार से द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, महाराजा है वो ग्लूम यानी उदासी के अंदर डूब गए। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, केम द हैप्पी न्यूज, एक जो हैप्पी न्यूज है वो आई, एक खुश करने वाली जो न्यूज है, खुशखबरी है, वो उसको मिली महाराजा को। विच डिस्पेल दैट ग्लूम, जिसने कि डिस्पेल यानी गायब कर दी थी दैट ग्लूम, उस ग्लूम को, उस उदासी को है वो दूर कर दिया था। एक ऐसी जो हैप्पी न्यूज है वो राजा को मिली, जिससे उनकी उदासी है वो दूर हो गई। इन हिज ऑन स्टेट, कि उसके खुद के स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, शी बिगन टू डिसअपीयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, कि उसके खुद के राज्य में जो हिल साइड पे जो विलेज है, जो पहाड़ी के बगल में जो गांव है, वहां पे लगातार भेड़े हैं वो गायब होनी शुरू हो गई थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मिया साहेब एंड वीरास्वामी नायकर, कि इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट, कि ऐसा पहले असर्टेन करना था, मतलब सुनिश्चित करना था, पहले यह चीज जाननी थी, ऐसा पता लगाया जाना था, दैट कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मिया, कि यह जो काम है वो खादर मिया का, मिया साहब का, या फिर वीरास्वामी जो नायकर है उनका तो नहीं है।
क्यों? क्योंकि बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि बोथ ये जो दोनों थे वो अपनी एबिलिटी के लिए प्रसिद्ध थे। और एबिलिटी क्या थी? टू स्वेलो शीप हुल, कि एक पूरी शीप को, पूरी भेड़ को निगल जाने की अपनी एबिलिटी के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो यह पता लगाना जरूरी था, निश्चित करना जरूरी था कि ये काम खादर मियां साहब का या वीरा स्वामी नायकर का तो नहीं है। श्योरली, निश्चित रूप से ए टाइगर वाज एट वर्क, कि टाइगर का ही ये काम था। द विलेजर रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, वो महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस ए 3 ईयर एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। द महाराजा अनाउंस, महाराजा उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा करी क्या, 3 ईयर एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, कि उस गांव से, उस गांव के सभी जो टैक्स थे, जो लगान थे, वो 3 सालों तक एग्जेम्पशन यानी छूट देना। तो उस गांव के, गांव को 3 साल तक सभी टैक्स से छूट देने की अनाउंसमेंट है वो महाराजा ने कर दी। और सेट आउट यानी रवाना होना, वो तुरंत ही हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए रवाना हो गए महाराज खुद। चैप्टर कंप्लीट होने वाला आज, उस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट पढ़ के ही छोड़ेंगे। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, कि टाइगर है उसको आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ, जैसे कि इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, कि इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ, जैसे कि इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ, कि इसने, वॉन्टनली मतलब जानबूझकर, कि इसने जानबूझकर हिड इट सेल्फ, अपने आप को छुपा लिया था, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, कि महाराजा की जो विल है, महाराजा की जो इच्छा है, इससे फ्लाउट यानी इनकार करने के लिए, इस इच्छा को पूरी न करने के लिए उसने जानबूझकर अपने को छुपा लिया, ऐसा प्रतीत होता था। मतलब टाइगर उनको मिला नहीं था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा वो भी क्या थे, इक्वली, उसी समान रूप से डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चय उन्होंने किया हुआ था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने उस फॉरेस्ट को, जंगल को छोड़ने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, कि जब तक टाइगर को पाया नहीं जाए तब तक जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया। एज द डेज पास्ड द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, कि एज द डेज पास्ड, कि जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजा फ्यूरी, महाराजा की जो फ्यूरी यानी जो गुस्सा था, एंड ऑब्स्टिनेंसी, ऑब्स्टिनेंसी यानी जो उनकी जिद थी और जो गुस्सा था महाराजा का, वो माउंटेड अलार्मिंगली, वो बहुत तेज गति से बढ़ा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से ऑफिसर ने अपनी जॉब को खोया। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब महाराजा की जो रेज यानी जो गुस्सा था, जब वो अपनी हाइट पे था, अपनी चरम पे था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, यानी तुरंत ही उन्होंने ऑर्डर दिया, तुरंत ही लैंड का जो टैक्स है, उस जमीन का जो टैक्स है, वो डबल करने का ऑर्डर उन्होंने दिया। अब दीवान ने क्या बोला, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, कि जो लोग है वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, असहमत हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन अवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द, जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस, अब महाराजा ने बोला, इन दैट केस, उस मामले में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा अगर ऐसा हो गया तो, सैड द किंग, किंग ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, कि द दीवान, जो दीवान था, वो वेंट होम कन्विंस्ड, वो विचार करता हुआ घर गया, दैट कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि महाराजा को सून यानी शीघ्र ही अगर टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक, कि ये जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो कैटेस्ट्रोफिक मतलब संकट से पूर्ण होगा, संकट से भरा हुआ होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, कि ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, ही फेल्ट, उसने महसूस किया लाइफ रिटर्निंग, जीवन को लौटता हुआ, टू हिम, उसके पास, कि उसने अपने पास जीवन को लौटता हुआ महसूस किया। ओनली व्हेन, केवल तब, जब ही सॉ द टाइगर, जब उसने टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, विच हैड बीन ब्रॉट, जो की ब्रोट यानी लाया गया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, की मद्रास में लोगों का जो पार्क था, जो जन उद्यान था, जहां से उसको लाया गया था, मतलब मद्रास में जो लोगों का जन उद्यान था, जो लोगों का जो मतलब पार्क, जो अम्यूजमेंट पार्क होता है उसको बोलते हैं, उस अम्यूजमेंट पार्क से जो लाया गए थे, उस बाग को जब उन्होंने देखा, दीवान साहब ने जब देखा, तो उन्होंने हैप्पी है वो फील किया था उस टाइम।
तो इसके बाद में क्या है, उस जो बाघ है वो लाया गया था, उसको उसने देख लिया दीवान ने, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और वो जो बाघ था वो उसके हाउस में ही, उसके घर में ही हिडन यानी छुपाया गया। तो तब उसको अपना जीवन लौटता हुआ प्रतीत हुआ जब उसने टाइगर को मद्रास में लोगों के उद्यान से लाए गए उस बाघ को देखा और उसे अपने घर में छुपाए हुए देखा। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शॉट इट इनटू द सीट। कि एट मिडनाइट अर्धरात्रि के टाइम व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब टाउन जो कस्बा था वो पीस यानी शांति से जब सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, कि दीवान साहब और उसकी जो एज्ड वाइफ मतलब उसकी जो थोड़ी जो वृद्ध जो उसकी पत्नी थी, उसने क्या किया, ड्रैग द टाइगर टू द कार, उसने टाइगर को कार के अंदर ड्रैग यानी घसीटा, एंड शॉट इट इनटू द सीट, और उसे सीट के ऊपर शॉट यानी धकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉ द कार, जो दीवान था उसने खुद कार को चलाया स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ सीधा कार को दीवान ने चलाया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पे महाराजा हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, जब वो फॉरेस्ट में पहुंचे, जंगल पहुंचे, the tiger launches its सत्याग्रह and refused to get out of the car. कि when they reached the forest, जब वे फॉरेस्ट में पहुंचे, the tiger, उस टाइगर ने क्या किया, सत्याग्रह को लॉन्च कर दिया, सत्याग्रह को प्रारंभ कर दिया, and refused to get out of the car, और उस कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। द दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। द दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड, अब जो दीवान था वो पूर्णतया एग्जॉस्टेड मतलब थक गया था अपने एफर्ट में, अपने प्रयास में, और प्रयास कौन सा था, टू होल्ड द बीस्ट हाउल यानी बाहर निकालना उस जानवर को ऑफ द कार, के कार से उस जानवर को बाहर निकालने के अपने प्रयास में जो दीवान था वो पूर्णतया थक गया था। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड एंड पुश इट डाउन, और उसको उस जो टाइगर था उसको ग्राउंड पे धकेलने में और उसे बाहर निकालने की अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, और उसमें वो थक गया था, और उस थक तो गया था, उसने एफर्ट किया था, तो उसे क्या किया, इसने पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, उस टाइगर को ग्राउंड के ऊपर पुश कर दिया, पुश डाउन होता है धक्का दे देना, धक्का दे दिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, ऑन द फॉलोइंग डे अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर, वही सेम जो वृद्ध टाइगर था, बूढ़ा बाघ था, वो वांडर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस, महाराजा की प्रेजेंस में उसके सामने वांडर्ड यानी घूमता रहा, एंड स्टूड और खड़ा रहा, एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, कि अपने उस विनम्र सप्लिकेशन यानी निवेदन के साथ वो वहां खड़ा रहा, जैसे कि मास्टर की, हे मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, क्या मेरे लिए क्या कमांड करते हो, क्या आदेश देते हो। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, कि यह एक बाउंडलेस यानी असीमित रूप से खुशी की बात थी, दैट कि द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि महाराजा है वो सावधानी के साथ उस बीस्ट पे, उस जानवर पे उन्होंने एक एम यानी अपना जो निशाना था, जो लक्ष्य था वो उन्होंने साधा, महाराजा ने सावधानी के साथ उस जानवर पे अपना निशाना है वो साधा, और पूरी खुशी की बात थी उनके लिए कि जो टाइगर है वो उनके सामने आ रहा था। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, कि जो टाइगर था वो क्रम्पल यानी एक सिकड़े हुए, कुचले हुए हीप के समान, ढेर के समान वो गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, अब राजा ने बोला कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, और मेरी जो वो यानी जो शपथ थी वो फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, जो महाराजा थे वो इलेशन यानी खुशी से पूर्णतया भर गए थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, कि एक ग्रैंड प्रोसेशन के साथ, एक भव्य प्रोसेशन होता है जुलूस के साथ, राजधानी में उस टाइगर को लाए जाने का आदेश देते हुए द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा है वो शीघ्रतापूर्वक अपनी कार में चले गए। क्या बोला कि अपने एक बड़े जुलूस के साथ, एक ग्रैंड प्रोसेशन यानी बड़े जुलूस के साथ राजधानी में उस टाइगर को लाए जाने का आदेश देते हुए महाराज है वो शीघ्रतापूर्वक कार में चले गए। इसके बाद आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, कि जब महाराजा जल्दबाजी में चले गए थे उस टाइगर का शिकार करके, मैंने अभी बताया आपको कि उस भव्य जुलूस के साथ में राजधानी में टाइगर को लाए जाने का आदेश देते हुए महाराजा जल्दी से कार में चले गए। तो जब वो कार में चले गए
तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, कि महाराज के जाने के बाद में द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, कि उस हंटर्स ने, जो शिकारी उनके साथ में थे, उन शिकारी ने उस टाइगर के ऊपर एक क्लोजर लुक डाला, मतलब एक जो पास से, निकट से या नजदीक से जब देखने के लिए हम जाते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उसको क्लोजर लुक बोलते हैं, कि वो शिकारी है उस टाइगर के को नजदीक से देखने के लिए उसके पास गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट, कि द टाइगर, वो जो टाइगर था जिसको राजा ने अभी मारा था, वो टाइगर मरा नहीं था एक्चुअल में, तो क्या हुआ था, द टाइगर लुक बैक, टाइगर ने वापस से देखा एट देम, उन हंटर्स की तरफ, ये देम है वो हंटर्स के लिए आए हैं, रोलिंग इट्स आईज, रोलिंग यानी घुमाना, अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बेफलमेंट, बेफलमेंट मतलब सरप्राइज होते हुए, एकदम आश्चर्यजनक तरीके से या फिर बोचक्केपन के साथ में अपनी आंखों को घुमाते हुए टाइगर ने उनकी तरफ वापस देखा, उन हंटर्स की तरफ वापस देखा। द मैन रियलाइज दैट, उन लोगों ने महसूस किया, जो हंटर्स थे उन लोगों ने महसूस किया दैट, कि द टाइगर वाज नॉट डेड, कि ये जो टाइगर है वो मरा नहीं है, मरा नहीं था, जो टाइगर था वो मरा नहीं था, ऐसा उन लोगों ने, उन हंटर्स ने फील किया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिचिंग पास्ट, कि इट हैड फेंटेड, वो फेंट हो गया था, वो बेहोश हो गया था फ्रॉम द शॉक, शॉक मतलब आघात के साथ, आघात से जो शॉक उसे लगा था, और शॉक किस चीज का, ऑफ द बुलेट व्हिचिंग पास्ट, कि जो बुलेट, जो गोली निकली थी, व्हिचिंग पास्ट, व्हिचिंग यानी तेजी से, पास्ट यानी उसके पास से गुजरना, कि जो बुलेट तेजी से उसके पास गुजरी, उस शॉक से, उस आघात से वो फेंट हो गया था, वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, कि द हंटर्स, जो हंटर्स थे वो वंडर मतलब उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा कि व्हाट दे शुड डू, उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टारगेट, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया दैट की द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए दैट की He had missed his target, कि उसने अपना जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उसको मिस कर दिया, ऐसा राजा को पता नहीं चलना चाहिए। If he did, they could lose their jobs, कि if he did, यदि उसे पता चलता है, मतलब यदि उसे इस बात का पता चल गया कि वो जो टाइगर था वो मरा नहीं था, अगर इस बात का उसे पता चल गया, राजा को पता चल गया, तो उनकी जो जॉब है वो चली जाएगी, they could lose their jobs, वो अपनी जॉब को, अपनी जो नौकरी है उसको गवा सकते हैं, अगर राजा को पता चल गया, अगर राजा को उन्होंने बता दिया तो। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर, कि वन ऑफ द हंटर्स, कि उन हंटर्स में से, वो जो शिकारी थे, उन शिकारी में से एक शिकारी ने टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 foot, कि 1 foot की डिस्टेंस से, 1 foot की दूरी से निशाना है वो लिया, एक हंटर ने, एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर को शॉट यानी कि गोली मार दी। दिस टाइम, इस समय ही किल इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, कि दिस टाइम, इस बार क्या हुआ, ही किल्ड इट, उसने इसे मार दिया, ही यानी वो हंटर ने, इट यानी जो टाइगर है, उस टाइगर को मार दिया, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना अपने मार्क को, बिना निशाना चुके ही इस बार उस हंटर ने इस टाइगर को मार दिया। देन फिर एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिट, कि देन फिर एज कमांडेड बाय द किंग, कि किंग के द्वारा, राजा के द्वारा जैसा कमांड दिया गया था, जैसी आज्ञा दी गई थी, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, कि जो मृत जो टाइगर था उसको लाया गया, कहा इन प्रोसेशन यानी जुलूस के रूप में, जुलूस के साथ उसको लाया गया थ्रू द टाउन, उस टाउन के अंदर से एक जुलूस के द्वारा टाइगर को लाया गया, एक जुलूस के रूप में उसको लाया गया, मतलब उसका एक जो जलसा सा था वो निकाला गया था, बहुत धूमधाम से उसको जुलूस के रूप में उसको लाया गया था। एंड ब्यूरिट, ब्यूरिट यानी दफना दिया गया, उसको लाने के बाद में दफना दिया गया। ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक जो टॉम होता है, एक मकबरा, तो मकबरा है वो इरेक्टेड यानी निर्माण कर देना, बना देना, ओवर इट, इसके ऊपर मतलब उस टाइगर के ऊपर एक जो टॉम था, एक जो मकबरा था वो बना दिया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कि few days later, कुछ दिनों के बाद में, the Maharaja's son's third birthday,
कि वो जो महाराजा का बेटा था उसका जो थर्ड बर्थडे यानी तीसरा जन्मदिन था वह सेलिब्रेटेड, उसको सेलिब्रेट किया गया कि महाराजा के कुछ दिनों के बाद में महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. कि until then, उससे पहले तक, मतलब तब तक जब उसका थर्ड बर्थडे बेटे का नहीं आया था तब तक द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, कि महाराजा ने गिवन दिया हुआ था एंटायर माइंड अपना संपूर्ण दिमाग ओवर टू टाइगर हंटिंग, कि टाइगर हंटिंग को ही महाराजा ने तब तक अपना पूरा टाइम है, अपना पूरा जो दिमाग है मस्तिष्क है वो सिर्फ उसके ऊपर ही लगाया हुआ था, अपना पूरा ध्यान है वो बाघ के शिकार पे ही लगाया हुआ था। ही हैड हैड नो टाइम, फर्स्ट हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी हैव की थर्ड फॉर्म है। ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, कि ही हैड हैड नो टाइम, कि उसके पास में समय नहीं था, टाइम नहीं था टू स्पेयर यानी व्यतीत करना फॉर द क्राउन प्रिंस, कि उस क्राउन प्रिंस के लिए उस जो उत्तराधिकारी जो राजकुमार है उसके साथ टाइम व्यतीत करने के लिए उसके पास समय नहीं था, मतलब उसके साथ उसने बिल्कुल भी समय है वो दिया ही नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दिया था, समय नहीं बिताया था। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने अपना जो अटेंशन था जो अपना ध्यान था वो उस चाइल्ड की तरफ टर्न कर लिया था, मोड़ लिया था। ही wished टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कि ही wished, उसकी इच्छा थी टू गिव हिम कि उसको दिया जाए सम स्पेशल गिफ्ट, एक विशेष उपहार ऑन हिज बर्थडे, कि उसके बर्थडे पे उसके जन्मदिन पे कोई स्पेशल गिफ्ट उसको दिया जाने की उसकी इच्छा थी कि उसको कोई स्पेशल गिफ्ट है वो मैं दूं। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, कि ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर में गया इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का जो शॉपिंग सेंटर था वहां पे यानी शॉप पे वो गया। एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान को सर्च किया तलाशा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कोई भी सुटेबल यानी उचित जो जो गिफ्ट था वो उसको नहीं मिला, कोई भी उचित चीज उसने नहीं पाई। फाइनली अंत में ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, कि फाइनली अंत में ही स्पॉटेड उसको मिला, क्या मिला, ए वुडन टाइगर, वुडन यानी लकड़ी का एक टाइगर, इन ए टॉय शॉप, के एक टॉय शॉप में खिलौने की दुकान में एक वुडन टाइगर है वो फाइनली उसको मिला। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, एंड डिसाइडेड उसने निश्चय किया कि एक परफेक्ट गिफ्ट है, एकदम सही गिफ्ट है वो उसके लिए था, उसने ऐसा डिसाइड किया, उसने निश्चित किया। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली टू अनाज एंड एक्वाटर, कि द वुडन टाइगर कॉस्ट, वो जो वुडन टाइगर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, ओनली टू आना, केवल दो आना एंड क्वार्टर, एंड एक्वाटर, क्वार्टर यानी उसका चौथाई हिस्सा, मतलब सवा दो आना है वो उस वुडन टाइगर की कॉस्ट है वो थी। क्वार्टर यानी कि एक चीज का जो जो फोर्थ जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसको क्वार्टर बोलते हैं, यानी चौथाई हिस्सा यानी कि सवा, तो जो वुडन टाइगर है उसकी कॉस्ट सवा दो आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन जो शॉपकीपर था वो न्यू जानता था दैट कि इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि इफ ही कोटेड, कि यदि वो बताता है सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि वो महाराज को ये जो लो प्राइस है, ये जो कम कीमत है, यदि वो बताता है तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी, तो ही वुड बी पनिश्ड, उसको पनिश दी जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी, कि एमरजेंसी यानी जो जो आपातकालीन जो रूल है या फिर जो राजकीय जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत उसे पनिश किया जाएगा कि उसने इतनी कम कीमत की चीजें हैं वो क्यों ले रखी है, मतलब कोई जो स्टैंडर्ड की जो ब्रांडेड चीजें हैं वो नहीं ला रखी, वो क्यों नहीं लाई हुई, तो इस जो रूल है उसके अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा योर मेजेस्टी कि महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, कि यह अत्यधिक रूप से एक दुर्लभ एग्जाम्पल है, रेयर यानी दुर्लभ एग्जाम्पल यानी उदाहरण ऑफ क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप यानी जो शिल्प कला होती है, जो शिल्प कला या हस्तकला जो होती है उसका एक दुर्लभ एग्जाम्पल, बहुत ही दुर्लभ एग्जाम्पल ये जो वुडन टाइगर की जो वुडन टाइगर था वो है, उसने बताया है कि वुडन टाइगर शिल्प कला का एक दुर्लभ नमूना है, दुर्लभ उदाहरण है वो है। ए बार्गन एट 300 रुपीज, और इसकी जो बार्गेन जो सौदेबाजी थी वो तीन, वो जो जो शॉपकीपर है वो ही बोल रहे हैं कि ये जो 300 रुपए का है जो बार्गेन है, जो सौदेबाजी है वो 300 रुपए तक की ही है,
मतलब 300 रुपए का ये वुडन टाइगर है। अब ये कॉस्ट आपको ध्यान रखनी है कि कितनी, बताइए उसने क्या बोला, राजा ने क्या बोला। वेरी गुड, अब राजा ने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। तो राजा ने बोला लेट दिस बी योर ऑफरिंग, कि चलो इसको तुम्हारी तरफ से ऑफरिंग होने देते हैं, मतलब भेंट होने देते हैं, गिफ्ट होने देते हैं टू द क्राउन प्रिंस, उस क्राउन प्रिंस के लिए ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पे, कि उस क्राउन प्रिंस के जन्मदिन पर, मतलब जो राजकुमार है, उत्तराधिकार जो राजकुमार है, उसके जन्मदिन पे इसे तुम्हारी तरफ से ऑफरिंग, तुम्हारी तरफ से भेंट है वो होने देते हैं। उस शॉपकीपर को राजा ने बोला, बिना पैसे दिए उस गिफ्ट को वो लेके चला गया उसकी तरफ से गिफ्ट बना करके। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टू कीट अवे विद हिम, और उसे अपने साथ लेके चला गया। ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, कि उस दिन क्या हुआ, फादर एंड सन, जो पिता और जो बेटा था, मींस जो टाइगर किंग था और उसका जो बेटा था, वो प्लेड, वो खेले विद दैट टाइनी, उस छोटे से, टाइनी लिटिल यानी एकदम छोटे से जो वुडन टाइगर था, उसके साथ में बाप बेटा है वो दोनों खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अब देखो वो बताया है, उसने झूठ बोला, इट हैड बीन कार्व्ड, कि इसको बनाया गया था, इसकी रचना, इसका निर्माण है वो किया गया था किसके द्वारा, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, कि एक अनस्किल्ड मतलब जो अकुशल जो कारपेंटर था, कारपेंटर यानी जो कारीगर था, उसके द्वारा इसका निर्माण है, या इसको जो कार्व्ड यानी तराशना, कि एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा, कारीगर के द्वारा इसको तराशा गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, कि इसकी जो सरफेस थी, इसकी जो सतह थी वो रफ थी, एकदम से कठोर थी। टाइनी सिल्वर स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल इट, कि इट्स सरफेस, इसकी जो सरफेस है वो रफ थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, कि जो वुड के यानी लकड़ी के जो स्लीवर्स होती है, जो फांस होती है उसको बोलते हैं, मतलब उसके लकड़ी के जो कांटे से या फिर जो फांस होती है उसको स्लीवर्स है वो बोला जाता है, काट पे जैसे फांस निकली हुई होती है, घर में भी हम देखते हैं। तो टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप, कि जो छोटे छोटे लकड़ी की जो फांस थी वो स्टूड अप, वो खड़ी हुई थी, लाइक क्विल्स ओवर इट, कि इसके चारों तरफ, मतलब इसके जो ये जो वुडन टाइगर था, इसके चारों तरफ में क्या था, जो छोटे छोटे जो टाइनी स्लीवर्स है, जो लकड़ी की टाइनी स्लीवर्स है, वो सारी की सारी लगी हुई थी, कांटे के समान, क्विल्स होते हैं कांटे, आल और इट मतलब इसके ऊपर, उसके पूरे वुडन टाइगर के ऊपर कांटे के समान, लाइक क्विल्स यानी कांटे के, क्विल्स यानी कांटे के समान, जो लकड़ी की जो स्लीवर्स यानी जो फांस थी, वो छोटी छोटी फांस है वो खड़ी हुई थी, मतलब उसके ऊपर जगह जगह फांस ही फांस थी, अच्छे से उसको मतलब कार्व नहीं किया गया था, उसको अच्छे से तराशा है वो नहीं गया था। वन ऑफ दो स्लीवर्स प्लीज द महाराजा राइट हैंड, कि वन ऑफ दो स्लीवर्स, कि ये जो स्लीवर्स थी, ये जो फांसी थी बहुत सारी, उनमें से एक जो स्लीवर थी, एक जो फांस थी, वो प्लीज द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाइने हाथ में वो प्लीज यानी घुस गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, कि ही पुल्ड इट आउट, उसने पुल्ड इट आउट, इट यानी ये जो स्लीवर थी उसके लिए आया है, पुल्ड आउट यानी बाहर खींच लेना, बाहर निकाल देना, विद हिज लेफ्ट हैंड, कि अपने बाएं हाथ से, दाहिने हाथ में ये जो स्लीवर है वो घुसी थी, और बाएं हाथ से राजा ने इसको बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ, उस राजकुमार के साथ खेलना उसने कंटिन्यू रखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजा राइट हैंड, कि जो इन्फेक्शन था, जो संक्रमण था, वो महाराजा के राइट हैंड में फ्लेड यानी फैल गया। इन फोर डेज यानी चार दिनों के अंदर, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, कि डेवलप्ड, ये विकसित हो गया इनटू ए सेपरेटिंग सोर, सेपरेटिंग यानी जो पस वाला, या फिर जो बोल सकते हैं मवाद से भरा हुआ जो सोर यानी जो घाव है, कि मवाद से भरे हुए घाव के रूप में ये विकसित हो गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि स्प्रेड यानी फैल गया पूरे आर्म में, पूरी भुजाओं में वो फैल गया। क्या फैल गया, जो फांस उसके हाथ में लगी हुई थी, और एकदम मवाद भरे हुए घाव के समान वो डेवलप हो गया था, और उसकी पूरी भुजा में पस ही पस हो गया था, मतलब इन्फेक्शन है वो उस फांस का महाराजा को हो गया था। थ्री फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, कि तीन जो फेमस सर्जन थे, फेमस जो जो शल्य चिकित्सा जो करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो जो सर्जन थे, वर ब्रॉट, वो लाए गए इन फ्रॉम मद्रास, की मद्रास से तीन जो फेमस सर्जन है वो लाए गए,
आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, क्या आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन के विचार विमर्श करने के बाद में, कंसल्ट करने के बाद में उन्होंने ऑपरेट करने को डिसाइड किया, मतलब ऑपरेशन करना उन्होंने डिसाइड किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन है वो घटित हुआ, ऑपरेशन किया गया। द थ्री सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, कि थ्री सर्जन, जो तीन सर्जन थे हु परफॉर्म इट, जिन्होंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, ऑपरेशन किया था, वो केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर आए, अनाउंस्ड, और उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा करी, क्या घोषणा करी, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल था। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए हैं। देखो यहाँ पे सटायर को यूज में लिया गया है, लिटरेरी टर्म होता है सटायर, फिगर ऑफ स्पीच होता है सटायर, सटायर के अंदर क्या होता है, एक व्यंग्य के रूप में बात को बोला जाता है। तो इन्होंने बोला है कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल था। तो अगर महाराजा मर गए तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे था, या तो इन थ्री सर्जन ने डिसाइड ही करके गए थे कि महाराजा को मारना है, ये उनका जो मैन जो एम था वो इनका यही था कि महाराजा को ठीक नहीं करना, उनको मारना है, तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल था, या फिर सटायरिकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज में ली गई है। इन दिस मैनर द हैंडेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, कि इन दिस मैनर, इस तरीके से द हैंडेड टाइगर, जो सोवा बाघ था, सोवा जो टाइगर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से अपना जो फाइनल रिवेंज जो था, अंतिम जो बदला था, वो उस सोवे टाइगर ने इस तरीके से महाराजा से ले लिया। तो इस प्रकार से महाराजा की डेथ है वो सोवे बाघ से होती है। अगर महाराजा उस सोवे बाघ को मार देता तो शायद उसकी डेथ है वो यहाँ पे नहीं होती, लेकिन जो लास्ट जो टाइगर था उसको महाराजा की बंदूक से नहीं मारा गया, उसको उन हंटर्स ने मारा था। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की बात है वो भी सत्य सिद्ध होती है। और इस प्रकार से हमारा ये जो शानदार जो चैप्टर है द टाइगर किंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कंप्लीट होती है फाइनली। आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई, मैंने एकदम आराम से इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आई है देन जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।